महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ने पूरे ओबीसी समुदाय को एकजुट करने और एकजुट करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र का दौरा शुरू कर दिया है। इसकी पहल नागपुर से शुरू हुई है, जिसका मकसद ओबीसी समाज के लिए आरक्षण और उनके हितों के लिए लड़ना है। बीजेपी ने ओबीसी समाज को गुमराह किया है और अब इसके लिए ओबीसी समाज को न्याय मिलना चाहिए। ओबीसी विभाग महाराष्ट्र के अध्यक्ष भानुदास माली ने कहा कि 2022 में नागपुर नगर निगम में कांग्रेस की ताकत। देखो, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों का मत जानने के लिए घूम रहे हैं। मैंने आज तक 27 जिले का प्रवास किया है, 27 जिले में घूम चुका हूँ, लेकिन मेरे को एक आज्ञा मिली है या लोगों की तरफ से एक सुझाव मिला है कि अभी कांग्रेस को आगे करना है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने हमारा पूरा नुकसान किया है, हमको झूठ बोलकर हमारा वोट्स लिया है, हमको झूठ बोलकर हमको आरक्षण दे दो, ये कर दो, वो कर दो करके सब पूरा हमारा पूरे हिंदुस्तान को ओबीसी को मूर्ख बना दिया है। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा आरक्षण वापस दे दो, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी और उनकी सरकार और उनके पीछे काम करने वाली आरएसएस वालों की टीम हमारा ओबीसी का आरक्षण नहीं करने वाली। उनका एक नारा है आरक्षण मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस का भी एक नारा है भाजपा मुक्त भारत। यही हम करने का है, और ये कौन करता है पूरे देश में? पूरा देश में अगर काम करेगा तो ये ओबीसी समाज करेगा, मुस्लिम समाज करेगा, एनटी समाज करेगा, भटका समाज करेगा। ये लोगों को इकट्ठी करना, ये जिम्मेदारी आदरणीय हमारे नेते कंखार नेते महाराष्ट्र के भावी लीडर सम्मानीय पटोले साहब ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर ये जिम्मेदारी दी, और पूरा मैं महाराष्ट्र घूम रहा हूँ और घूम के मैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी ओबीसी की टीम है, जितने भी ओबीसी कार्यकर्ता है, उसको मैं समझा रहा हूँ कि अपने को भाजपा और आरएसएस वालों ने मूर्ख बना दिया। हमारा आरक्षण लिया है, हमारा पॉलिटिकल आरक्षण लिया है, यहाँ भी क्या हमारा रिजर्वेशन नौकरी में जो था, जो प्राइवेटलाइजेशन के नाम पे उन्होंने सब बेच दिया है। आज इतनी कंपनी सारी पूरे हिंदुस्तान के बेच दिए, उसमें हमारा जो आरक्षण था वो पूरा खत्म हो चुका है। एक की तरफ से हमारा नौकरी गई है, दूसरी तरफ से हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन गया, तीसरी तरफ से हमारा अदर जो सहूलत था, जो आपको मिलता था, अनुदान मिलता था, वो भी उन्होंने खत्म किया। हमको मूर्ख बना के सत्ता पे आने वाली भाजपा, हम उसको अभी 2024 साल में हम उसकी जगह दिखाएंगे। और इसीलिए पूरा हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर ओबीसी जागृत करने का काम हमको करना है। समझो अभी नवंबर के एंड में अगर भारत सरकार ने हमारा आरक्षण पूर्ववत नहीं दिया तो ओबीसी विभाग भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर या हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हमारा पहला नारा रहेगा कि हम दिल्ली में जाएंगे, जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे, 1,00,000 लोगों का मोर्चा हम निकाल के नरेंद्र भाई को दिखाएंगे, अगर तू हमारे पीछे नहीं आया तो हम तुम्हारा 2024 में सत्ता हम फिनिश कर देंगे। कहने के लिए हम दिल्ली जाएंगे नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। दूसरा आंदोलन हमारा ये रहेगा, ये विदर्भ के अंदर ओबीसी बहुत मोटी संख्या से, भारी संख्या से है, लेकिन ये सब लोग अभी बीजेपी की तरफ से है, कोई राष्ट्रवादी की तरफ से तो थोड़ी है, लेकिन बाकी के कुछ लोगों की तरफ से, वो लोगों का हम समझाने के लिए मैं विदर्भ का दौरा कर रहा हूँ। आज मेरा स्टार्ट है, अभिजीत वंजारी साहब यहाँ के MLA है, वो मेरे साथ रहेंगे, नाना पटोले साहब के आदेश के अनुसार हम ये काम कर रहे हैं, पूरे विदर्भ में हम सब पूरा कार्यक्रम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाजपा ने हमको मूर्ख बना दिया है, अभी उसको छोड़ना है। और इसीलिए 2024 के निवडणूक आएंगे, जो इलेक्शन होगा उसके अंदर कांग्रेस पक्ष के अंदर जितने भी लोग खड़े रहेंगे वो सब पूरे का पूरे इलेक्शन जीतेंगे। इसकी तैयारी हम पटोले साहब के नेतृत्व में अभी कर रहे हैं और करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओबीसी का क्वेश्चन है, ओबीसी का ये प्रश्न है। अगर हम अभी नहीं किया तो पूरे देश के अंदर जो ओबीसी है वो हमको माफ नहीं करेंगे, अगली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेंगे कि बोलेगी जब तक जिस दिन वो आरक्षण खत्म किया था उसी दिन तुमको रास्ते पे आना चाहिए था, आप नहीं आए, हमारी पीढ़ी खराब हो गई, हमारी जिंदगी बर्बाद हुई, ऐसे लोग गालियां देंगे। इसके लिए हम अभी कांग्रेस पक्ष ने कार्यक्रम हाथ में लिया है, आरक्षण मुक्त भारत वो बोलते हैं, हम बोलते हैं भाजपा मुक्त भारत, ये काम अभी हमको करना है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेताओं का घेराव करने की तैयारी है? 100% मैं अभी बोलता हूँ कि भाजपा के कुछ विदर्भ के लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते, पश्चिम महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते, उत्तर महाराष्ट्र में सब लोग हैं भाजपा से छोड़ के हमको हमारे पास आने वाले। इतना हमारी तैयारी है, पटोले साहब ने एक भयंकर चैतन्य निर्माण किया कांग्रेस के अंदर, ऐसा नेता मैं हम देखते हैं कि दूसरा यशवंतराव चव्हाण है हमारे महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण था जो देश का नेता था,
यशवंतराव चौहान चले गए, लेकिन अभी पटोले साहब है। हम पटोले साहब को यशवंतराव चौहान की जगह देखते हैं, क्योंकि ही इज अ वेरी बेस्ट पर्सन, और उसके अंडर नेतृत्व में हम पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत में, पूरा महाराष्ट्र में हम बहुत बड़ा संगठन करेंगे और भाजपा को हराएंगे। ओबीसी समाज की अगर बात की जाए, आपने ओबीसी के मुद्दे रखे, आप महाराष्ट्र में सत्ता में है, ओबीसी समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं और आगे की आपकी क्या रणनीति? देखो, ओबीसी के अंदर हमारा तो सब पूरा नुकसान हुआ है। एक तो नौकरी चली गई रिजर्वेशन, ये प्राइवेटलाइजेशन की तरफ से पॉलिटिकल रिजर्वेशन चले गए, इसीलिए हमने अभी तय किया कि मैं हर जिले में एक शिविर लेने वाला हूँ। उसमें सब पूरे लोगों को बुलाऊंगा, खाटी ग्रामोद्योग मंडल बुलाऊंगा, ओबीसी मंडल बुलाऊंगा, महाज्योति के लोगों को बुलाऊंगा, और मैं हमारे लोगों को ट्रेनिंग दूंगा कि हमारी तरफ से क्या लोगों को करना चाहिए, स्कॉलरशिप कैसी देना चाहिए, लोन कैसा देना चाहिए, वो खादी ग्रामोद्योग के अंदर से कितने प्रोजेक्ट हमको करना है, कितना पैसा हम दे रहे हैं। जो भी ओबीसी के लोग बेकार है, जो नाभिक समाज वाले हैं, कुंभार समाज वाले हैं, लोहार समाज के हैं, तेली समाज के हैं, यहाँ तो तेली समाज बहुत है, लेकिन उनको अभी उद्योग उभार करने के लिए, उद्योग खड़ा करने के लिए हम पूरी ताकत उनकी तरफ से पीछे लगाएंगे। और इधर भाजपा ने हमारा नुकसान किया है, करने दो, 24 गांव उसको देखेंगे, लेकिन तब तक हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम उसको ताकत देंगे, उसको खड़े करेंगे, पांव पे खड़े करेंगे, उसको ताकत देंगे, उसकी आर्थिक परिस्थिति सुधारेंगे, उसको समझा देंगे कि हमको कैसा मूर्ख बना दिया। ये सब कार्यक्रम आई ओबीसी के अंदर से मैं करूंगा, और ये मेरा काम है, मैं मेरे को जिम्मेदारी दी, पटोले साहब ने एक विश्वास से जिम्मेदारी दिया कि आप महाराष्ट्र में काम करो, वो विश्वास को मैं कभी गलत नहीं समझूंगा, और वो विश्वास आखिर तक मैं काम करूंगा, और पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी की संगठन हम बढ़ाएंगे। वंजर सर, इस मेड़ावा को क्या हम मनपा चुनाव की तैयारी समझे? समझ सकते ना, महानगर पालिका का चुनाव हो या विदर्भ में अभी बहुत सारे प्रमाण में स्थानीय स्वराज्य संस्था की चुनाव है, भंडारा में जिला परिषद की चुनाव है, नगर परिषद की चुनाव है, बूंदिया में है, गढ़चिरौली में है, चंद्रपुर में है, तो आने वाले जितने भी चुनाव है वो सारे चुनाव में हम लोग इसी प्रकार से काम करने वाले हैं। दूसरी बात, नाना भाऊ पटोले हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने 4 महीने में पूरे महाराष्ट्र में घूमकर एक अच्छा वातावरण तैयार किया है। वो चाहते कि ओबीसी सेल और अलग अलग सेल के माध्यम से, इन विभागों के माध्यम से एक अच्छा वातावरण बने। जो ओबीसी समाज कांग्रेस में था, उसके बाद में वो कुछ समय के लिए दूसरे पार्टी में चला गया था, वापस से लोगों की इच्छा है कि ओबीसी समाज ये कांग्रेस के साथ में जुड़ना चाहता है बड़े प्रमाण में। जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी की सत्ता थी, मोदी जी की सत्ता थी, और 5 साल में इन्होंने ओबीसी को केवल गाजर दिखाने का काम किया, लालच दिखाया, लेकिन ओबीसी का आरक्षण टिकने के लिए इन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, ये सब पब्लिक जानती है, जनता जानती है। इसलिए बड़े प्रमाण में ओबीसी का समाज, ये उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ में है, वही हम लोग इनकैश करने वाले हैं। मनपा चुनाव को लेकर संगठन में कुछ बदलाव आने वाले? बिल्कुल आने वाले हैं। अभी ओबीसी के विभाग के अध्यक्ष है भारद्वाज पाड़ी साहब, यहाँ पर आए हैं, एक नया ओबीसी का संगठन पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में वो तैयार करने वाले हैं, नागपुर शहर में तैयार करने वाले हैं। नागपुर शहर में विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, उसमें संगठन में फेरबदल करने वाले हैं, और आने वाले समय में महानगर पालिका को कैसा हस्तगत कर सकते हैं उसका प्रयास हम लोग करने वाले, क्योंकि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता महानगर पालिका में है। महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक है, उन्होंने केवल अपना घर, अपनी बिल्डिंग और अपनी प्रॉपर्टी बनाई और जनता को ठेंगा दिखाया। जितने भी टैक्सेस होंगे, जितने भी काम होंगे, ये प्राइवेटाइज कर अपने घर भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, नगर सेवकों ने किया, इसलिए उनको हराने का काम हम लोग आने वाले समय में कर रहे हैं। शहर अध्यक्ष, कांग्रेस शहर अध्यक्ष बदलने की भी चर्चा है? कोई जरूरत नहीं है, विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में एक सक्षम संगठन नागपुर शहर में काम कर रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, उसमें संगठन के बदल की आवश्यकता नहीं है। निचले स्तर पर जहाँ पर संगठन बदल करने की आवश्यकता है, तो वो हम लोग जरूर करेंगे। कार्यक्रम दिया है ओबीसी विभाग का, जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आए थे भानुदास जी माई, और आमदार आए थे अभिजीत जी वंजारी, विकास ठाकरे जी आमदार, ये सभी को हमने आमंत्रित किया था। ये सही सब लोग यहाँ पे आए हुए थे, और ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो विदर्भ के दौरे पे आए थे। ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि जो अभी ओबीसी आरक्षण रद्द किया गया है, और उसको उसके लिए लड़ाई चल रही है, जो बीजेपी लोगों ने जो आरक्षण हमारा रद्द किया है,
तो वो आरक्षण के लिए हम सब सब जगह संगठन बना रहे हैं ओबीसी का, प्रत्येक जिले में, शहर में, सब जगह हम अपना ये बना रहे संगठन। वो इसलिए कि आने वाले जो इलेक्शन है महानगर पालिका का हो या जो भी 2024 में विधानसभा का इलेक्शन हो, इसलिए ये संगठन मजबूत करने के लिए एक प्रोग्राम हमने लिया है कि हर जो काम करने वाले हैं ओबीसी में वो सबको सही मायने में पद देके उनको अच्छा ओबीसी में बड़े संख्या में हम एकत्रित करना चाहते हैं, इसलिए प्रोग्राम हमने रखा है यहाँ पे। और जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना भाऊ पडोले, इनके आदेश अनुसार हमने ये प्रोग्राम लिया है। हमदल जी माड़ी जी आए थे अभी, हमारा ये आने वाले इलेक्शन में बोलो या पूरा संगठन मजबूत करने के लिए ओबीसी का ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया। नाना भाऊ का सपना है कि महानगर पालिका और विधानसभा में कांग्रेस एकमेव पक्ष रहे और हम उनके हाथ मजबूत करने के लिए सभी एक साथ मुख्यमंत्री रहे। और आप देख ही रहे, तीन महीने हो गए, चार महीने उन्होंने अपने हाथ में जो प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी ली है वो हर एक नेता में आप चळवळ देख रहे होंगे, उत्साह देख रहे होंगे। उन्होंने जो कार्यकर्ता में उत्साह जगाया है, जो कांग्रेस अभी पीछे आ गई थी वो कांग्रेस में उत्साह आप देख रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता में देख रहे हैं उत्साह। और नई उम्मीद लेके आए हैं नाना भाऊ पडोले जी, और हम भी उनकी उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयत्न करेंगे। और पूरे लगन से और पूरी मेहनत से हम ये महानगर पालिका में पूरी मेहनत करेंगे। और हमारा जो नाना भाऊ का सपना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार एक नंबर पे हो, तो हम उनके जो सपना है उनके मार्गदर्शन पर हम खरा उतरे, यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।